चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और उसमें जो ब्रॉड एनालिसिस है उसमें लगभग 75-80% हमारे जो केस है वो ग्रामीण क्षेत्र में, और 20-22% हमारे जो केस हैं वो शहरी क्षेत्र डूंगरपुर और सागवाड़ा में। इसमें भी इसका पूरा एनालिसिस जो हमने किया उसमें एक चीज़ और निकल के सामने आई कि हमारे 20 साल से नीचे के जो एक्टिव केस हैं वो लगभग 18-19% है, और अगर 40 साल से नीचे के एक्टिव केस की बात करते हैं तो वो लगभग 59% है। दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि 59 साल से ऊपर के, 70 साल से ऊपर के, वो बहुत ही कम संख्या में केस हैं। इसमें दो पैटर्न हो सकता है कि वैक्सीनेशन भी उनकी मदद कर रहा होगा, या ये हो सकता है कि जो 40 साल से नीचे वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते भी हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो संक्रमण का एक रीज़न वो भी हो सकता है। डूंगरपुर शहर में हमने स्पेशल प्रयास किया है कि मेडिकल की टीम्स को हमने फील्ड में उतारा है। रोज़ाना ये टीम 50 से लेकर 100 घर में जाएगी और हमारे सभी जो 40 वार्ड है उनको कवर भी करेगी। सभी शहरवासियों से डूंगरपुर और सागवाड़ा में मेरा ये निवेदन है कि आपके घर में कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसमें 45 प्लस के जो कोमोर्बिड लोग हैं वो, और 60 साल से ऊपर के जो वृद्धजन हैं वो अपना सैंपल करवाएं। बाकी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरे जो लोग हैं, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो घर पे मेडिकल की टीम उनको जो बेसिक मेडिसिन है वो प्रोवाइड करेगी और आपके घर तक पहुँचेगी। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हॉस्पिटल में जो लोग डॉक्टर्स की स्क्रीनिंग के बाद सैंपल के लिए देने आते हैं उसमें एक बार वो स्क्रीन हो चुके हैं तो काफ़ी संख्या में पॉजिटिविटी होने की संभावना भी रहती है। ये लोग जो घर से जाते हैं वो लगभग आधा एक घंटा भी उनके साथ में अगर लाइन में बिता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका संक्रमण का खतरा रहता है। तो मेरा आप सबसे एक बार विनम्र निवेदन है कि 30 साल से नीचे के, 35 साल से नीचे के जो भी लोग हैं, जब तक उनको फीवर नहीं हो रहा, वो सिम्टोमेटिक नहीं है, वो कोशिश करें कि हमारी मेडिकल टीम से ही वो सहायता ले लें, हम उनको अटेंड करेंगे, और ऐसी अगर मेडिकल उनको लगता है कि नहीं उनका करवाना तो हमारी मेडिकल टीम रिव्यू करके उनके सैंपलिंग की व्यवस्था करवाएंगे। दूसरी ओर हॉस्पिटल का निरीक्षण भी आज मेरे द्वारा किया गया। हमारे लगभग 250 बेड की कैपेसिटी है, फिर भी ये मानते हुए कि हो सकता है आने वाले समय में कोविड और भी भयानक रूप लें तो हमने 100 बेड की अलग से व्यवस्था की और प्लानिंग की है, जहाँ पर हम एसिम्प्टोमेटिक जो हमारे लोग होंगे जिनके पास में घर पर रहने के लिए जगह नहीं है उनको वहाँ रखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा वागदरी में एक संस्थान है, वहाँ पर भी 50 बेड की कैपेसिटी है, तो वो आज मैंने और CMHO साहब ने उसका विजिट किया है, वहाँ पर भी बेड्स वगैरह फैसिलिटी अवेलेबल है, तो एक अल्टरनेटिव के रूप में वो सेंटर भी हम विकसित करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो चिकित्सा संसाधन है वो पर्याप्त है, और रोज़ हम रिव्यू कर रहे हैं कि हमारे पास में जो एडमिट पेशेंट्स हैं उनका रिव्यू कर रहे हैं, कौन लोग सीरियस हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, एसिम्प्टोमेटिक लोगों को जिनको ज़रूरत नहीं है उनको हम 3-4 दिन बाद में 5-6 दिन बाद में रिव्यू करके अगर पिछले 3 दिन से उनको सिम्टम्स नहीं है, फीवर नहीं है, उनको डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। तो जितने लोग जिनको सिम्टम्स नहीं है, फीवर नहीं आ रहा, वो होम आइसोलेशन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे हॉस्पिटल पे लोड कम रहेगा, और साथ ही साथ हमारे जो वृद्धजन हैं, जो लोग वाकई में बीमार हैं, उनकी बेटर केयर हम कर पाएंगे।